मार्केट्स पिछले 6 महीने से काफी वोलेटाइल रही है। जिसने भी 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट की होगी वो यहां तो आज लॉस पर बैठे हैं या फिर बहुत ही कम प्रॉफिट पर। ऐसे में कई इन्वेस्टर्स सोचते रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट अभी करें या थोड़ी देर और रुक जाएं। वेल, अगर आप इक्विटी मार्केट्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वोलेटिलिटी से जुड़ने का एक तरीका बहुत अच्छा है, वो है SIPs का। जी हाँ, SIPs या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स एक ऐसा मेथड है इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करने का जो कि वोलेटिलिटी का फायदा उठाने में मदद करता है। मार्केट्स जब ऊपर होती हैं तो आपको कम यूनिट्स मिलते हैं और मार्केट जब गिर जाती है तो आपको यूनिट ज्यादा मिल जाते हैं, यानी कि आपका परचेज प्राइस ओवर टाइम एवरेज आउट हो जाता है। इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। हमने इस कॉन्सेप्ट को और SIPs में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स को डिटेल में एक वीडियो में समझाया है। इस वीडियो को आप ऊपर दिए आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे 3 म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाले हैं जिनमें आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में SIP शुरू कर सकते हैं। हम इन तीनों ही फंड्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करेंगे और इनके पास रिटर्न्स और पोर्टफोलियो पर भी नजर डालेंगे। मैं आपको इनके फीचर्स के बारे में भी बताऊंगा, तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रॉल डाउन करके सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दोनों को ही क्लिक कर दीजिए। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 3 ऐसे फंड्स जो कि लॉन्ग टर्म के लिए SIP करने के लिए चुने जा सकते हैं। मार्केट्स ने 1.5 साल बहुत ही ग्रोथ दिखाई थी और पिछले कुछ सालों से ग्रोथ स्टॉक्स भागते चले जा रहे हैं। मार्केट्स ने अब ब्रीदर लिया है और हमारा ऐसा मानना है कि अगले कुछ सालों तक वैल्यू स्टॉक्स ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए हमने अपने रिकमेंडेशन में एक लार्ज कैप फंड और एक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड भी रखा है। चलिए एक एक करके इन तीनों ही फंड्स की बात करते हैं। हमारे लिस्ट पर सबसे पहला फंड फॉर SIPs इन 2022-23 है HDFC टॉप 100 फंड। ये एक लार्ज कैप फंड है। लार्ज कैप फंड अपने इन्वेस्टमेंट प्रेडोमिनेटली लार्ज कैप कंपनीज में करते हैं, यानी कि उन कंपनीज में जो कि मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 रैंक में आती हैं। HDFC टॉप 100 फंड का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022 ₹21,178 करोड़ का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.79% का। फंड का पर यूनिट नेट एसेट वैल्यू एज ऑन 18 अप्रैल ₹699.1520 का था। चलिए फंड के पास रिटर्न्स को देखते हैं। HDFC टॉप 100 फंड की परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में थोड़ी वीक रही है पास्ट में, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि फंड के वैल्यू ओरिएंटेड फोकस के कारण ये फंड अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगले कुछ सालों में। फंड ने लास्ट 1 साल में 22.93% के रिटर्न दिए। 3 और 5 सालों के पीरियड में फंड के रिटर्न 11.70% और 11.66% के थे। 10 ईयर पीरियड में फंड ने 13.16% के रिटर्न जनरेट किए हैं ऑन एवरेज वर्सेज अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 14.29%। फंड का इंसेप्शन अक्टूबर 1996 में हुआ था और तब से फंड के रिटर्न 19.06% के रहे हैं ऑन एवरेज। फंड के कॉन्सेंट्रेशन को समझने के लिए इसके स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन को देख लेते हैं। HDFC टॉप 100 फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 56 स्टॉक्स हैं। टॉप होल्डिंग पोर्टफोलियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज की है विद 9.46%। उसके बाद ICICI बैंक और HDFC बैंक में 7.90% और 7.59% इन्वेस्टेड है रिस्पेक्टिवली। टॉप 10 स्टॉक्स में टोटल होल्डिंग 57.53% की है। फंड फाइनेंशियल्स में ओवरवेट है विद 32.79%। उसके बाद एनर्जी और टेक्नोलॉजी में 20.25% और 12.69% इन्वेस्टेड है रिस्पेक्टिवली। टॉप 3 सेक्टर्स में पोर्टफोलियो के 65.73% फंड्स इन्वेस्टेड है। फंड के वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है। पोर्टफोलियो का प्राइस टू बुक रेशियो 2.21 का है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 13.92 का। फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट मिनिमम ₹5,000 की होनी चाहिए। एडिशनल इन्वेस्टमेंट ₹1,000 की हो सकती है। SIP के केस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹500 की है। अब बात करते हैं हमारे लिस्ट पर जो दूसरा म्यूचुअल फंड है फॉर SIPs उसके बारे में। यह है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड अपने इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस कैटेगरीज एंड अक्रॉस सेक्टर्स कर सकते हैं। फंड मैनेजर अपने एनालिसिस के हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो कितना इन्वेस्टमेंट किस कैटेगरी में करना चाहते हैं। इनफैक्ट पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड तो अपने पोर्टफोलियो का 25-30% ओवरसीज इक्विटीज में इन्वेस्ट करता था, लेकिन RBI की ओवरसीज लिमिट क्रॉस होने के कारण अब ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पा रहे। इस केस के बारे में हमने एक वीडियो में डिटेल में समझाया। इस वीडियो को आप ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022 ₹21,768 करोड़ का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.79% का। फंड का पर यूनिट नेट एसेट वैल्यू एज ऑन 18 अप्रैल ₹48.6509 का था। चलिए इस फंड के भी पास रिटर्न्स को देख लेते हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड हर टाइम फ्रेम में ही आउट परफॉर्मर रहा है। लास्ट 1 साल में फंड के रिटर्न 23.63% के रहे हैं वर्सेज अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 22.59%। 3 और 5 साल के पीरियड में फंड ने ऑन एवरेज 24.31% और 19.94% के रिटर्न दिए हैं। फंड का इंसेप्शन मई 2013 में हुआ था और तब से फंड के एवरेज एनुअल रिटर्न 19.46% के रहे हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन को देख लेते हैं। फंड में सिर्फ 24 स्टॉक्स ही हैं। हाईएस्ट वेटेज अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड यानी गूगल में है विद 8.88%। सेकंड हाईएस्ट होल्डिंग पोर्टफोलियो में ITC की है विद 8.63% और थर्ड हाईएस्ट बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की
विद 7.91%। टॉप 10 स्टॉक्स में टोटल वेट 54.26% का है। सेक्टर वाइज देखें तो फंड फाइनेंशियल्स और सर्विसेज में ओवरवेट है विद 28.78% एंड 27.96% इन्वेस्टेड रिस्पेक्टिवली। थर्ड हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी सेक्टर में है विद 13.50%। टॉप 3 सेक्टर्स में टोटल वेट 70.24% का है। फंड के वैल्यूएशन फेयर है। पोर्टफोलियो का प्राइस टू बुक रेशियो 3.61 का है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 20.83 का। फंड में लंपसम इन्वेस्टमेंट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट दोनों ही 1000 रुपए की हो सकती है। SIP के केस में भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए की ही है। अब आते हैं हमारे थर्ड एंड फाइनल रिकमेंडेड फंड पर। यह है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। ये एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है, यानी कि ये फंड अपने पैसे ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करता है जो कि अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर ट्रेड कर रहे हो। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022 ₹23,149 करोड़ का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.78% का। फंड का पर यूनिट नेट एसेट वैल्यू एज ऑन 18 अप्रैल 2022 ₹261.19 का था। चलिए फंड के पास रिटर्न्स को देख लेते हैं। फंड ने रिसेंटली बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फंड के रिटर्न्स लास्ट एक साल में 33.28% के थे वर्सेज अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 20.69%। 3 और 5 सालों के पीरियड में फंड के रिटर्न्स 21.09% और 14.70% के थे। 10-ईयर पीरियड में फंड ने 18.09% के रिटर्न्स दिए वर्सेज अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ 14.29%। फंड का इंसेप्शन अगस्त 2004 में हुआ था और तब से फंड के एवरेज एनुअल रिटर्न्स 20.26% के रहे हैं। फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 60 स्टॉक्स हैं। मैक्सिमम होल्डिंग ONGC में है विद 7.94%। उसके बाद NTPC और सन फार्मा में 7.46% और 7.38% इन्वेस्टेड हैं। टॉप 10 स्टॉक्स में टोटल इन्वेस्टमेंट 51.59% की है। सेक्टर वाइज इवन दो फंड का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल्स में है, ये मार्केट के हिसाब से काफी कम है। फाइनेंशियल में पोर्टफोलियो का 18.14% इन्वेस्टेड है। उसके बाद एनर्जी में 17.29% इन्वेस्टेड है और कम्युनिकेशन में 13.52%। टॉप 3 सेक्टर्स में पोर्टफोलियो का 48.96% इन्वेस्टेड है। क्योंकि ये एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है तो ऑब्वियसली बात है कि वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है। पोर्टफोलियो का प्राइस टू बुक रेशियो 1.78 का है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 12.94 का। ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपए की होनी चाहिए। एडिशनल इन्वेस्टमेंट 500 रुपए की हो सकती है। इनकेस आप प्रेफर करते हैं कि SIP मेथड के थ्रू इन्वेस्ट करें तो 100 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये तो थे हमारे टॉप 3 रिकमेंडेड फंड्स फॉर SIPs इन 2022-23। अब आप अपने SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट्स हमारे ऐप Zfunds के थ्रू कर सकते हैं। मंथली SIPs की ऑप्शन तो अवेलेबल है ही, साथ ही साथ हमारे ऐप पर आपको डेली SIP का भी ऑप्शन मिलेगा। डेली SIP यानी आप रोज के रोज पैसे बचाकर अपने फाइनेंशियल गोल्स तक जल्दी से पहुंच सकते हैं। डेली SIP सिर्फ 100 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। तो अपनी SIP इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए अभी हमारा Zfunds ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपके और कोई भी सवाल हो इन फंड से रिलेटेड या आप किसी भी तरह की मदद चाहते हो अपने इन्वेस्टमेंट्स में तो अभी हमें 7217746224 पर एक व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे थम्स अप बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग Zfunds। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.